स्टार भारत के सीरियल राधा कृष्ण ने पूरे कर लिए हैं अपने 800 एपिसोड्स, और 800 एपिसोड्स पूरे करने के बाद एक बेहद ही नायाब तरीके से पूरी टीम ने मनाया जश्न। इस मौके पर मौजूद रही स्टार कास्ट और मौजूद रहे शो के डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी, सास बहू और बेटिया ने आज के दिन इन्हें स्पॉट किया मुंबई से सटे उमरगांव में, जहां चल रहा है राधा कृष्ण का ये भव्य शूट। और आज के शूट की खास बात यह है कि राधा कृष्ण की सारी टीम ने मिलकर यहाँ एक स्मृति वन बनाया है, जहाँ वो वृक्षारोपण कर 800 एपिसोड के अपने लंबे सफर की कई सारी यादों को यहाँ एक नया जीवन देंगे, पेड़ों की शक्ल में, ताकि जब ये राधा कृष्ण की टीम दोबारा वापस इस लोकेशन पर शूट करने आए तो उन्हें उनकी यादें ताजा करने का एक और मौका मिले। तो वहीं शो के लीड कैरेक्टर कृष्ण और राधा यानी कि सुमेध और मल्लिका ने भी डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी के साथ इस महाजश्न को हमारे साथ सेलिब्रेट किया और बताया क्यों खास है राधा कृष्ण इन सितारों के लिए। तो आज की गुड न्यूज़ ये है कि राधा कृष्णा ने एक माइलस्टोन तय कर लिया है। इस वक्त मैं हूँ राधा कृष्णा के सेट पर, जो मुंबई से थोड़ा दूर यहाँ उमरगांव में है। यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ रची जाती हैं, तो कहानी के रचयिता मेरे साथ हैं, जो ढेर सारी कहानियाँ मैं मतलब गिनाना शुरू करूँ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मेरे साथ सिद्धार्थ कुमार तिवारी और हमारे राधा कृष्णा दोनों साक्षात, तो एक बड़ा माइलस्टोन है इस सीरियल ने, एक लंबा आई थिंक बहुत ही एक मुझे याद है लॉन्च के वक्त मेरी अब इनसे मुलाकात हुई है, तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी सिद्धार्थ, एंड हाउ डज यू फील लाइक 800 से ज़्यादा एपिसोड्स पूरे हो गए हैं एंड इस मौके पर एक खास सेलिब्रेशन दिवाली के मौके पर, हाउ डू यू फील बैक दे जब वो फीलिंग व्हेन इट स्टार्टेड व्हेन यू ड्रीम्ड ऑफ राधा कृष्णा? बहुत सोचा नहीं था उस समय कि 800 एपिसोड हो जाएंगे, जबकि राधा कृष्ण की जर्नी तो और भी इंटरेस्टिंग है कि जब से ये शो आया है उसके करीब दो साल पहले हमने इसका पहला पायलट एपिसोड शूट किया था, यू नो उसमें मल्लिका जी हमारे साथ नहीं थी, तब वो टीनेजर से भी यंग थी, तो हमने शूट किया था। उसके दो साल बाद लगभग राधा कृष्ण फाइनली लाइव आए, तो आई थिंक बहुत कमाल लगता है। अभी मैं इनसे यही कह रहा था कि मजाक नहीं है कि आप ऑडियंसेस को 800 एपिसोड तक एंटरटेन कर पाएँ, और ऐसा ही नहीं कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ में मैसेजिंग है, एक थॉट है, एक पहली लव स्टोरी है, तो आई थिंक बहुत सारी अचीवमेंट है, वो बिना टीम वर्क के हो नहीं सकता, और पूरी टीम लग के काम करती है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल माय एक्टर्स टू बी सेन थ्रू 800 एपिसोड्स। कृष्णा का जो ये खूबसूरत किरदार जब मिला था 3 साल पहले, आई रिमेंबर पीपल न्यू यू एज अ डांसर बट यू चेंज नाउ, कृष्णा का सिनोनिम बन गए हैं आप, तो अब कैसा रहा आपका ये सफ़र पूरा आई थिंक 3 साल का? पहले तो नेगेटिव कैरेक्टर्स, जैसे आपने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर दिया जाना चाहिए या एक अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए, पर पता नहीं, मैं आज भी इनसे मिला, आज यही सवाल पूछा कि थैंक यू, पता नहीं आपने क्या देगा, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट आई कैन ट्राई एंड गिव माई बेस्ट, एंड दैट हैज़ बीन लाइक द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तब से मैं 100% देते गया हूँ, बट मैं जब भी एक फ्रेम देखता हूँ राधा कृष्ण के, जो भी सीन्स देखता हूँ, तो हम एक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, बट ओवरऑल म्यूज़िक से लेके, एग्जीक्यूशन से लेके, एडिटिंग से लेके, सब चीज़ें जब आती है ना, आई थिंक सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ राधा कृष्णा। 800 एपिसोड पूरे हुए, आई एम श्योर कि ये श्री राधा श्री कृष्ण की कृपा है हम पर, कि हम हमेशा कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, बट इतना फल इन रिटर्न देना ये उनकी कृपा है और ऑडियंस की कृपा है, सो वी आर जस्ट थैंकफुल एंड लेट्स सी With great power comes great responsibility, so we're working towards it. तो अब मिलते हैं हमारी राधा रानी से, मल्लिका से, दिलों की मल्लिका ये बन चुकी हैं फैंस की, तो राधा बनकर कितनी बदली आपकी जिंदगी? आई रिमेम्बर यू एज रियली यू नो एक शाही सी लड़की, और अचानक मेकअप के बाद जिन्होंने अपने देश का दिल चुरा लिया। एक्चुअली मैंने आज तक हर कोई मतलब पूछता है या हमने हमेशा कहा है कि हमारी जर्नी कैसी रही है, बट अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा स्वास्तिक का ऑफिस है जहाँ पर हमने यहाँ पर आने से पहले मेहनत की, हमारा वो स्टूडियो जहाँ पे हम अपने एक्टिंग की हर एक पार्ट पे फोकस करते थे, वो एक जर्नी थी, वहाँ पे हमने सीखा। हमें कभी नहीं पता कि हमें इतने ह्यूज सेट्स जो कि इन्हीं की देन है, वो फीलिंग तो हमने कभी देखी नहीं यहाँ पर आने से पहले, ना कभी फील की है। वहाँ पर हमारी एक अलग ही जर्नी थी, वहाँ से निकलने के बाद जो हमने जितनी भी मेहनत की
उसका आउटकम यहाँ पे निकला है। तो यहाँ पर एक यहाँ पे आप खुद यहाँ पे हो, आप फील कर सकते हो वो प्रेजेंस, मतलब कि कितना कैसा फील होता है। तो उस जगह पे वर्क करना इट्स अ बिग थिंग। सो मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि सबको पता है कि हमारी जर्नी क्या रही है फ्रॉम स्टार्ट टू टिल हियर। सो मैं यही कहूँगी कि ये सेट्स जिस तरह से बनाए गए हैं, हमारे लोग जिस तरह से हम काम करते हैं, चाहे वो दिन रात काम क्यों ना करें, चाहे वो कुछ घंटे भी काम क्यों ना करें, इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। तो हमें उतने एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं करती क्योंकि वैसा माहौल हमारे लिए ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। हाँ, मतलब आई थिंक दिस बॉय एंड दिस गर्ल, यू नो, ये तो मुझे हमेशा राधा रानी लगती ही थी। इसको तो मैं कहीं और से ही निकाल के लाया था कि तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है, ये अंडर एज थी, अब तो ओवर एज हो गई है, यू नो, शी वॉज अंडर एज, शी वॉज अ माइनर व्हेन वी साइंड हर ऑन, एंड बट शी इज़ बीन कमेंडेबल, मतलब बहुत अच्छा, क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, कुछ नहीं। हमें याद है 20 हमने लुक टेस्ट किए थे, एंड मलिका इज़ राइट, ये जर्नी के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक शो शुरू होने से पहले और एक शो शुरू होने के बाद। उससे पहले भी वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम्स, एंड बहुत ऑफर्स और भी आए, मुझे भी, मलिका को भी, बट आई थिंक सो राधा कृष्ण हैड समथिंग इन इट कि हमें दूर दूर तक कोई और ऑफर कंसिडर करने जैसा लग नहीं रहा था उस टाइम पर। And we went through everything. We had nothing. We were suffering. जब काम नहीं होता है, lot of thoughts get inside your head and you don't feel very happy. But then it's a choice to make. Me, Malika, we made a choice कि नहीं, राधा कृष्ण के लिए we'll do everything that we can. And 2016 के जुलाई में मैं पहली बार कृष्ण के लिए cast हुआ था, और 2016 हाँ, और उसके बाद 2016 में शो स्क्रैप हो गया फॉर अ रीज़न, एंड देन 2017 में अगेन एवरी मानसून हम जाते थे स्वस्तिक के ऑफिस में, ऑफिस बहुत अच्छा है, यू नो, बहुत काच वाच वाच है, और उसके बाहर हम जब भी स्वस्तिक ऑफिस जाते थे बाहर बारिश होती थी ये मुझे याद है, हाँ पानी पड़ता है, हमेशा देखते थे बाहर, देखते थे, मैं कॉफ़ी पीता था, कॉफ़ी पीते थे मैं, बसंत मलिक, हम लोग बात करते थे, ये करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड यू वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, एंड द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे बहुत रिलेवेंटली पोर्ट्रे करने का मौका मिला है। जब भी आपके दिमाग में भगवान की कोई भी छवि आती है, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि एक पोश्चर, एक डिविनिटी, एंड अगर हम ह्यूमन फॉर्म प्ले कर रहे हैं तो हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। एज एन एक्टर्स मुझे लगता है कि बहुत फ्रीडम मिला, बहुत सपोर्ट मिला, क्रिएटिवली बहुत हेल्प हुई। 20 के आसपास हमने शायद लुक टेस्ट किए थे, 15-20 के आसपास, भी ज़्यादा ही होंगे। एंड लास्ट में फाइनली लाइक आप ये देख सकते हैं कि आदमी सिलेक्ट कर सकता है कि हाँ ये ठीक है, अच्छा है, बट नहीं, वी कैन गेट बेटर, वी कैन गेट बेटर, ऐसा करते करते वी गॉट टू दिस कॉस्ट्यूम जो आज भी कभी भी देखो अच्छा लगता है। भाई जिस तरह से सुमेध और मलिका ने अपने फैंस के दिलों पर राज किया है और 800 एपिसोड का ये लंबा सफर पूरी कामयाबी के साथ तय भी किया है, तो भाई सेलिब्रेशन तो बनता है। लेकिन इनका पेड़ लगाकर सेलिब्रेट करने का ये नायाब तरीका इनकी शो की थीम के साथ बिल्कुल संस्कारी लगता है। जश्न के इस मौके पर टीम राधा कृष्ण से जुड़े तमाम सितारे यहाँ शामिल होने आए, तो वहीं झलक देसाई, जो कभी रुक्मणी का किरदार राधा कृष्ण में निभा चुकी हैं, उनके लिए एक बार फिर टीम राधा कृष्ण से जुड़ना और एक नेक काम का हिस्सा बनना कितना सुखद अनुभव देता है, आइए खुद इन्हीं से जानते हैं। यस, आई थिंक वही मैंने कहा, बहुत अच्छा थॉट है, इट्स अ वेरी यूनिक वे आई वुड से ऑफ इवन सेलिब्रेटिंग, यू नो, एक आज हमने जैसे एक माइलस्टोन अचीव किया, वैसे ही आई थिंक ये भी एक माइलस्टोन है, यू नो, प्लांटिंग सो मेनी ट्रीज एक साथ, आई थिंक फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन, यू नो, जब भी हम वापस आएंगे यहाँ पे, इट विल ऑलवेज बी रियली स्पेशल टू सी देम जस्ट ग्रो, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट यू नो वी वॉन्ट एज इंडिविजुअल्स, you know, Swastik as a company or everyone in general. Growth, I think, is very important. So, ये एक बहुत अच्छा symbol है, I would say, of growth. अभी कंस की दो पन्नियाँ लॉन्च हुई आज ही लॉन्च हुई है, एक 80 और प्राप्ति, तो एक से बहुत प्यार करता है और एक से बहुत पसंद नहीं उसको, तो इसलिए गुस्सा और प्यार दोनों है। और जहाँ तक टेंशन में था वो था कि पूतना को भेजा ऐसा है, तो मतलब कृष्ण का वध करने के लिए, तो वो टेंशन साथ में है, लेकिन वो पत्नी 8 साल बाद आई है, दोनों पत्नियाँ, तो उनके स्वागत के लिए पूरा महल सजाया उसने। महाभारत में हम करण और गुरुजन थे, लेकिन वास्तव में भी हम रियल लाइफ और रियल लाइफ फ्रेंड भी हैं, मतलब बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है, हमेशा बात करते हैं फ़ोन पे, मतलब जो भी हमारे फैमिली में
आते जाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अगर हम महाभारत देखें तो सबसे ज़्यादा आप दोनों के सीन्स थे, क्योंकि एक अलग बॉन्ड था, हमने तो वो देखा, लेकिन एक दोनों की दोस्ती जो थी बड़ी अलग थी। तो उस वक्त जब साथ में काम करना शुरू किया था हम, तो आप बताएं कैसा था मिलना अर्पित के साथ, और कैसा था सबके साथ पूरा जो माहौल था जब आपने, क्योंकि मैक्सिमम सीन आई थिंक दुर्योधन के साथ ही थे कर्ण के। हम पहली बार एक मॉक शूट के दौरान मिले थे, हमारा हमने एक सीन किया था साथ में, है ना। उसके बाद तो कुछ बातें हमारी ऐसी खुल के हुई, मेरे को लगा बहुत ऑनेस्ट आदमी है और मैं भी ऑनेस्ट आदमी हूँ, तो मतलब उसके बाद हुआ ये कि और जब सीन्स भी करते थे तो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन, राइट। तो बॉन्डिंग हमारी अच्छी हुई है, उसके अलावा सीन्स भी अच्छे आते थे, मज़ा आता था घर के साथ। तो वहीं राधा कृष्ण में कंस का किरदार निभा रहे अभिनेता अर्पित रांका ने भी सीधे राधा कृष्ण से जुड़ा अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, और उनका साथ देने आए उनके पुराने पार्टनर यानी कि सीरियल महाभारत में करण और दुर्योधन का किरदार निभाने वाले करण यानी कि अहम शर्मा भी। दोनों ने चर्चा की इस मौके पर अपनी खास बॉन्डिंग की। तो आज कलयुग में महाभारत के दो किरदार हमारे साथ हैं, सूर्यपुत्र करण और दुर्योधन, जो पर्दे पर आपने इन दोनों को देखा। महाभारत अभी भी देखिए, हाँ ये आपसे मैं बता सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि ये महाभारत की यादें बहुत हैं हमारी, क्योंकि मैं तो राधा कृष्ण भी किया और जय कन्हैयालाल कर रहा हूँ, लेकिन अहम आज मेरे ख्याल से 8 साल बाद आया महाभारत, आठ साल ये स्पेशली इसको ये भी था कि मैं उमरगांव, मतलब एक होता ना फील होता है, तो फिर हम दोनों मतलब ऐसा मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, हाँ सारी यादें, दिस वेयर इट ऑल बिगैन। तो मुझे लगा एक बार आते हैं वापस, क्या बहुत चीज़ें बदल भी गई, लेकिन याद फील तो वैसा ही आता, आबो हवा में ऐसा लगता है कि यू नो अभी कनेक्टेड हो, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग अराउंड मुझे लगा बीच बीच के उस तरह। तो ये बहुत मैं वही कहूँगा कि ये इतना साफ दिल का और इतना सच्चा इंसान है ना, नहीं जब देखे जब सामने वाला आदमी अच्छा होता ना, और सीरियसली हमारे दोनों की बॉन्डिंग इसलिए अच्छी थी करण और मेरी, क्योंकि हम दोनों ने हमारी रियल लाइफ में अच्छी दोस्ती थी, हम सेट पर भी एक दूसरे से बात करते थे, मतलब सब चीज़ें शेयर करते थे, तो अच्छा लगता था। अभी इतने साल बीत गए हैं, तो अभी भी फैंस आपको जब मिलते हैं, आई एम श्योर महाभारत वन लैंडमार्क शो इन योर करियर, दे कम टू यू एंड आस्क यू एज करण, अभी भी होता है ऐसा? बिल्कुल 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 होता है। मेरे ख्याल से हर एक्टर चाहता है कि आप लाइफ में बहुत सारे ऐसे रोल्स करें जिसके लिए आप जाने जाएँ, लेकिन अभी तक तो मुझे कहने में कोई यू नो परहेज नहीं कि हाँ करण अब तक लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है और लोग उससे याद करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं अब भी। इनफैक्ट जब री रन हुआ था तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा, हाँ और ज़्यादा लोग और उत्सुक हुए, दे वांट टू नो मोर अबाउट इट, और मुझे भी वापस जाके मेमोरी में अच्छा क्या कैसे होता था, आई टू इट डजंट गो अवे, यू नो द प्रोसेस क्या क्या कैसे वो, बट इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी और बल्कि लॉकडाउन के दौरान री रन होने से ज़्यादा लोग जानना चाहते थे, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि यू नो लोगों को इतना पसंद आया और अभी भी याद करते हैं। किरदार आई थिंक पीपल लव टू हेट यू बट यू डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ इट, तो दुर्योधन ने कितना आपको एज कैरेक्टर ऐड किया? बहुत नफरत मिली दुर्योधन से दुर्योधन से, लेकिन वो मेरे किरदार की जीत है, तो दुर्योधन को मतलब अगर नफरत नहीं करेंगे तो मतलब किरदार कैसे, मतलब लोग कैसे पसंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि एज एक्टर मेरी सबसे बड़ी जीत है वो, कि दुर्योधन को लोगों ने नफरत की तो एज ए विलन मैं खुश हूँ, मतलब किरदार, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महाभारत हम सब के लिए एक ऐसा शो है ना जो मतलब सदियों में एक बार बनता है, मुझे लगता है कि हम सब बहुत भाग्यशाली बहुत लक्की हैं कि हम महाभारत के पात्र बने, तो वो जैसे लॉकडाउन में 3 बार रिलीज हो चुका है, वो 3 बार हिट है, अभी भी लोग महाभारत देखते हैं हर लैंग्वेज में, कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु बंगाली बाहर भी, तो वो बहुत अपने आप बड़ी बात है, लोग मतलब किसी हिट सुपर शो का हिस्सा बनकर अपने आप में बहुत खुशी होती है, और सेटिस्फाइंग भी बहुत रहा हम लोगों के लिए एज एन एक्टर भी, जिस तरह से बनाया और जिस तरह से मेरे ख्याल से हर किरदार को जिस तरह गढ़ा गया, बहुत स्कोप था परफॉर्म कर पाने का, तो एक सेटिस्फैक्शन भी, टेलीविजन बहुत कम ऐसा मिलता है कि आप कुछ ऐसा काम करें विच यू रियली एन्जॉय यू नो होल हार्टेडली एंड यू फील दैट यू डन समथिंग विच गिव यू सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, और अच्छा लगता है, तो दिस इज़ वन ऑफ आई मीन दिस इज़ द वर्क आई वुड से।
टू ऑल द महाभारत फैंस, तो ये हमारे साथ हैं दोनों, कर्ण और दुर्योधन, जो आजकल आप इनको अलग अलग किरदारों में देख सकते हैं, बट आई थिंक महाभारत रिमेन्स द बेस्ट. सो तो आई होप द फैंस आर हैप्पी विद दिस स्पेशल इंटरव्यू दैट वी गॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम उमरगांव वेयर महाभारत वाज शॉट. 800 एपिसोड्स की लंबी मेहनत और 3 साल का वक्त बिताने के बाद राधा कृष्ण ने जहां अपने फैंस के दिलों पर राज किया, तो वहीं इनका ये जश्न यूं ही लगातार मनाया जाता रहे और 800 एपिसोड्स के साथ ये रिकॉर्ड 8000 एपिसोड तक पहुंचे. सास बहू और बेटियां की तरफ से टीम राधा कृष्ण को ढेर सारी शुभकामनाएं. उमरगांव से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.